रहमान और हेबा को खबर मिलती है कि उनके दोस्त आशीष और राधा की बेटी रोमा एक पार्क में मरी हुई पाई गई। टेस्ट से पता चलता है कि उसका रेप करके गला घोंटकर मार दिया गया। वह उनके घर शोक के लिए जाते हैं। घर वापस आते हुए वह लोग गाड़ी में बात करते हैं। राधा का हाल देखा नहीं जा रहा था, मुझे तो रह रहकर आलिया की शक्ल नजर आ रही थी। अल्लाह हमारी बच्ची को हिफाजत में रखे। हेबा, तुमको चाहिए कि तुम हमारी बच्ची को सिखाओ और समझाओ कि अपनी हिफाजत कैसे की जाती है। उसको बताओ कि गुड टच बैड टच क्या होता है और ये कि किसी को भी हाथ ना लगाने दे, चाहे कोई चाचा हो, मामू या कजिन। अरे रहमान, क्या कह रहे हो? इतनी सी बच्ची को क्या सिखाना चाहते हो? क्या उसकी मासूमियत खत्म करना चाहते हो? अम्मी, आप क्या चाहती हैं? कि हमारी बच्ची भी जिनसी तशद्दुद का निशाना बने? राधा और आशीष का हाल देखा था ना आपने? रहमान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमारी बच्ची को अदब और तहजीब के कपड़े पहनना सिखाओ और देर तक बाहर ना रहने दिया करो। इंशाअल्लाह उसको कुछ नहीं होगा। अम्मी, कपड़ों से कुछ नहीं होता। आपको पता है, राधा की बेटी को उसके अपने घर में आशीष के कजिन ने जिंसी तशद्दुद का निशाना बनाया। जी अम्मी, वह आदमी उनके घर आता जाता था और जब उस दिन वह आया तो घर पर कोई नहीं था और उसी बच्ची के कमरे में उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर जब वह जोर से रोई तो उसका गला घोंटकर उसे पीछे जंगल में फेंक दिया। अल्लाह खैर करे, लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे कि लड़की की हिफाजत करने के लिए उसका लिबास और तहजीब पर चलना कितना जरूरी है। अम्मी, क्या नहीं समझोगे? आपको पता है आपके अपने भाई ने मेरे साथ नाना के घर में क्या करने की कोशिश की थी। मैं ना तो लड़की था और ना ही घर के बाहर, और जब मैंने आपको बताया तो आपने अब्बू और सबसे छुपा लिया और मुझे कहा कि यह ऐप की बात होती है, किसी को नहीं बताना। कैसी है आइसक्रीम? अच्छी है, लेकिन अम्मी को मत बताइएगा। मामू हाथ नहीं लगाएं प्लीज। अरे हम तो सिर्फ खेल रहे हैं। नहीं मामू, नहीं। ठीक है, तुम भी अम्मी को मत बताना वरना मैं आइसक्रीम का बता दूंगा। रहमान, पुरानी बातें क्यों निकाल रहे हो? तुम्हारा जो जी चाहे करो, मुझे क्या? मुझे तो आज भी उस दिन का ख्याल आता है तो मेरा दिल दहल जाता है। रहमान, आप फिक्र नहीं करें, मैं आलिया को आराम से सब समझा दूंगी और उसे बाहिम्मत लड़की बनाऊंगी। आप भी आदिल को अपनी हिफाजत करना सिखाएं। लड़का हो या लड़की, सब बच्चों को अपनी हिफाजत आनी चाहिए। आलिया, क्या कर रही हो बेटा? अम्मी, मैं ड्राइंग कर रही हूँ। क्या हम थोड़ी देर के लिए एक जरूरी बात कर सकते हैं? ये तुम्हारी मजबूती और हिफाजत के लिए है। जी अम्मी। आलिया, बहुत सारे लोग हमें प्यार से छूते हैं, लेकिन हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हमें ठीक तरह से नहीं छू रहा। ऐसे में खास तौर पर जब कोई हमारे प्राइवेट पार्ट्स पर छुए तो बिल्कुल नहीं छूने देना चाहिए। जिस्म के चार हिस्से ऐसे हैं जहां किसी को भी हाथ लगाने नहीं देना चाहिए। कोई भी ऐसे हाथ लगाए, चाहे कजिन हो, मामू चाचा हो, अब्बू के दोस्त हो या दादा अब्बू के दोस्त ही क्यों ना हो, कोई भी हो, बूढ़ा या जवान, किसी को भी हाथ नहीं लगाने देना चाहिए। कोई तुम्हारी तारीफ भी करे फिर भी छूने नहीं देना चाहिए। तुमको समझ आया कि मैंने क्या बताया? जी अम्मी,
यही कि अगर कोई भी गलत तरह से गलत जगह पर छुए तो उसे छूने नहीं देना चाहिए। और अगर कोई ऐसा करे तो तुमको पता है कि क्या करना चाहिए? पता नहीं अम्मी। जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, नहीं हाथ लगाओ मुझे, नहीं छुओ मुझे। कैसे बोलना है बताओ? नहीं छुओ मुझे, नहीं छुओ मुझे। शाबाश मेरी बहादुर बेटी। अरे बच्ची को क्या बदतमीजी सिखा रही हो? अम्मी उसे बदतमीजी नहीं, अपनी हिफाजत करना सिखा रही हूँ। और उसके बाद भागकर किसी को जरूर बताना चाहिए। ठीक है अम्मी। शाबाश बेटा, कोई अगर ऐसा करता है तो वह इंसान गलत होता है, बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं होती, इसलिए बताने से कभी डरना नहीं चाहिए। जी अम्मी। अच्छा तो एक और बात बताओ, अगर घर पर अकेली हो और कोई अंकल, कजिन या भाई का दोस्त भी आए तो क्या करोगी? पता नहीं। तुमको पता होना चाहिए कि अगर तुम घर पर अकेली हो तो कह दो आप बाद में आइए और दरवाजा मत खोलो। ठीक है अम्मी। बेटा यह लो फोटो और अपनी क्लास की फ्रेंड्स को भी बताओ, मैं तुम्हारी टीचर से बात करूंगी कि वो क्लास में सब बच्चों को यह सिखाए। रहमान भी अपने बेटे से बैठकर बात करता है। आदिल बेटा, बहुत सारे लोग बच्चों को बेवकूफ बनाकर उनके साथ बुरी हरकतें करते हैं। कोई अंकल या बड़ा भाई भी अगर गलत जगह पर हाथ लगाए तो जोर से मना कर देना चाहिए। कोई गंदी फोटोज या वीडियो दिखाए तो भी जोर से मना कर देना चाहिए। अगले दिन आलिया अपने स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड्स से इस बारे में बात करती है। ये फोटो देखो, मेरी अम्मी कह रही थी अगर कोई इन चार जगह पर हाथ लगाए तो जोर से चिल्लाओ, नहीं मुझे मत हाथ लगाओ, नहीं मुझे मत हाथ लगाओ। ड्राइवर अंकल मुझे अजीब तरह से पकड़ते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत प्यारी हूँ। मेरी अम्मी कह रही थी कि अगर कोई ऐसा करे तो तुम अपनी अम्मी को बताओ, तुमने बताया? नहीं, मुझे डर लगता है। डर किस बात का? कोई अगर तुम्हें गलत तरह से छुए तो तुम्हारी गलती थोड़े ही है। मुझे एक बार भैया के फ्रेंड ने अपनी गंदी जगह पर टच कराया था और मुझे कहा था कि किसी को नहीं बताना, यह बताना गंदी बात होती है। ऐसा करना भी गंदी बात होती है, तुम जरूर अपनी अम्मी को बताओ। अम्मी और भाई से तो डर लगता है, लेकिन मैं अपनी बाजी को बता सकती हूँ। तुम सब मेरे घर आओ, अम्मी से ये सारी बातें सीखेंगे कि कैसे अपनी हिफाजत करते हैं। हाँ यह ठीक रहेगा। बच्चों को कम उम्र में ही घर के साथ साथ स्कूल में भी गुड टच और बैड टच के बारे में अंतर सिखाना चाहिए ताकि समय आने पर वह अपनी हिफाजत कर सकें। रहमान और हेबा को खबर मिलती है कि उनके दोस्त आशीष और राधा की बेटी रोमा एक पार्क में मरी हुई पाई गई। टेस्ट से पता चलता है कि उसका रेप करके गला घोंट कर मार दिया गया। वह उनके घर शोक के लिए जाते हैं। घर वापस आते हुए वह लोग गाड़ी में बात करते हैं। राधा का हाल देखा नहीं जा रहा था, मुझे तो रह रहकर आलिया की शक्ल नजर आ रही थी। अल्लाह हमारी बच्ची को हिफाजत में रखे। हेबा, तुमको चाहिए कि तुम हमारी बच्ची को सिखाओ और समझाओ कि अपनी हिफाजत कैसे की जाती है। उसको बताओ कि गुड टच बैड टच क्या होता है और ये कि किसी को भी हाथ ना लगाने दे, चाहे कोई चाचा हो, मामू या कजिन।
अरे रहमान, क्या कह रहे हो? इतनी सी बच्ची को क्या सिखाना चाहते हो? क्या उसकी मासूमियत खत्म करना चाहते हो? अम्मी, आप क्या चाहती हैं कि हमारी बच्ची भी जिनसी तशद्दुद का निशाना बने? राधा और आशीष का हाल देखा था ना आपने? रहमान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमारी बच्ची को अदब और तहजीब के कपड़े पहनना सिखाओ और देर तक बाहर ना रहने दिया करो। इंशाअल्लाह उसको कुछ नहीं होगा। अम्मी, कपड़ों से कुछ नहीं होता। आपको पता है, राधा की बेटी को उसके अपने घर में आशीष के कजिन ने जिनसी तशद्दद का निशाना बनाया। जी अम्मी, वह आदमी उनके घर आता जाता था और जब उस दिन वह आया तो घर पर कोई नहीं था और उसी बच्ची के कमरे में उसे तशद्दद का निशाना बनाया और फिर जब वह जोर से रोई तो उसका गला घोटकर उसे पीछे जंगल में फेंक दिया। अल्लाह खैर करे, लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे कि लड़की की हिफाजत करने के लिए उसका लिबास और तहजीब पर चलना कितना जरूरी है। अम्मी, क्या नहीं समझोगे? आपको पता है, आपके अपने भाई ने मेरे साथ नाना के घर में क्या करने की कोशिश की थी? मैं ना तो लड़की था और ना ही घर के बाहर, और जब मैंने आपको बताया तो आपने अब्बू और सबसे छुपा लिया और मुझे कहा कि यह ऐप की बात होती है, किसी को नहीं बताना। कैसी है आइसक्रीम? अच्छी है, लेकिन अम्मी को मत बताइएगा। मामू हाथ नहीं लगाएं प्लीज। अरे हम तो सिर्फ खेल रहे हैं। नहीं मामू, नहीं। ठीक है, तुम भी अम्मी को मत बताना वरना मैं आइसक्रीम का बता दूंगा। रहमान, पुरानी बातें क्यों निकाल रहे हो? तुम्हारा जो जी चाहे करो, मुझे क्या? मुझे तो आज भी उस दिन का ख्याल आता है तो मेरा दिल दहल जाता है। रहमान, आप फिक्र नहीं करें, मैं आलिया को आराम से सब समझा दूंगी और उसे बाहिम्मत लड़की बनाऊंगी। आप भी आदिल को अपनी हिफाजत करना सिखाएं। लड़का हो या लड़की, सब बच्चों को अपनी हिफाजत आनी चाहिए। आलिया, क्या कर रही हो बेटा? अम्मी, मैं ड्राइंग कर रही हूँ। क्या हम थोड़ी देर के लिए एक जरूरी बात कर सकते हैं? ये तुम्हारी मजबूती और हिफाजत के लिए है। जी अम्मी। आलिया, बहुत सारे लोग हमें प्यार से छूते हैं, लेकिन हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हमें ठीक तरह से नहीं छू रहा। ऐसे में खास तौर पर जब कोई हमारे प्राइवेट पार्ट्स पर छुए तो बिल्कुल नहीं छूने देना चाहिए। जिस्म के चार हिस्से ऐसे हैं जहां किसी को भी हाथ लगाने नहीं देना चाहिए। कोई भी ऐसे हाथ लगाए, चाहे कजिन हो, मामू चाचा हो, अब्बू के दोस्त हो या दादा अब्बू के दोस्त ही क्यों ना हो, कोई भी हो, बूढ़ा या जवान, किसी को भी हाथ नहीं लगाने देना चाहिए। कोई तुम्हारी तारीफ भी करे फिर भी छूने नहीं देना चाहिए। तुमको समझ आया कि मैंने क्या बताया? जी अम्मी, यही कि अगर कोई भी गलत तरह से गलत जगह पर छुए तो उसे छूने नहीं देना चाहिए। और अगर कोई ऐसा करे तो तुमको पता है कि क्या करना चाहिए? पता नहीं अम्मी। जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, नहीं हाथ लगाओ मुझे, नहीं छुओ मुझे। कैसे बोलना है बताओ? नहीं छुओ मुझे, नहीं छुओ मुझे। शाबाश मेरी बहादुर बेटी। अरे बच्ची को क्या बदतमीजी सिखा रही हो? अम्मी, उसे बदतमीजी नहीं, अपनी हिफाजत करना सिखा रही हूँ। और उसके बाद भागकर किसी को जरूर बताना चाहिए। ठीक है अम्मी। शाबाश बेटा, कोई अगर ऐसा करता है तो वह इंसान गलत होता है, बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं होती, इसलिए बताने से कभी डरना नहीं चाहिए। जी अम्मी। अच्छा तो एक और बात बताओ, अगर घर पर अकेली हो
और कोई अंकल, कजिन या भाई का दोस्त भी आए तो क्या करोगी? पता नहीं। तुमको पता होना चाहिए कि अगर तुम घर पर अकेली हो तो कह दो आप बाद में आइए और दरवाजा मत खोलो। ठीक है अम्मी। बेटा यह लो फोटो और अपनी क्लास की फ्रेंड्स को भी बताओ। मैं तुम्हारी टीचर से बात करूंगी कि वो क्लास में सब बच्चों को यह सिखाएं। रहमान भी अपने बेटे से बैठकर बात करता है। आदिल बेटा, बहुत सारे लोग बच्चों को बेवकूफ बनाकर उनके साथ बुरी हरकतें करते हैं। कोई अंकल या बड़ा भाई भी अगर गलत जगह पर हाथ लगाए तो जोर से मना कर देना चाहिए। कोई गंदी फोटोज या वीडियो दिखाए तो भी जोर से मना कर देना चाहिए। अगले दिन आलिया अपने स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड्स से इस बारे में बात करती है। ये फोटो देखो, मेरी अम्मी कह रही थी अगर कोई इन चार जगह पर हाथ लगाए तो जोर से चिल्लाओ, नहीं मुझे मत हाथ लगाओ, नहीं मुझे मत हाथ लगाओ। ड्राइवर अंकल मुझे अजीब तरह से पकड़ते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत प्यारी हूँ। मेरी अम्मी कह रही थी कि अगर कोई ऐसा करे तो तुम अपनी अम्मी को बताओ, तुमने बताया? नहीं, मुझे डर लगता है। डर किस बात का? कोई अगर तुम्हें गलत तरह से छुए तो तुम्हारी गलती थोड़ी ही है। मुझे एक बार भैया के फ्रेंड ने अपनी गंदी जगह पर टच कराया था और मुझे कहा था कि किसी को नहीं बताना, यह बताना गंदी बात होती है। ऐसा करना भी गंदी बात होती है, तुम जरूर अपनी अम्मी को बताओ। अम्मी और भाई से तो डर लगता है, लेकिन मैं अपनी बाजी को बता सकती हूँ। तुम सब मेरे घर आओ, अम्मी से ये सारी बातें सीखेंगे कि कैसे अपनी हिफाजत करते हैं। हाँ यह ठीक रहेगा। क्या आपके अनुसार बच्चों को कम उम्र में ही गुड टच और बैड टच का अंतर बताना सही है? बच्चों को कम उम्र में ही घर के साथ साथ स्कूल में भी गुड टच और बैड टच के बारे में अंतर सिखाना चाहिए ताकि समय आने पर वह अपनी हिफाजत कर सकें।